नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव इन दिनों रायपुर में हैं। जी हां, आपको बता दें, वह रविवार को हुए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गौधन न्याय योजना काबिले तारीफ है। छत्तीसगढ़ सरकार गौधन न्याय योजना के माध्यम से बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना एक बार शुरू होनी चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर शैक्षणिक और सामाजिक लोगों का डाटा मिल सके। आपको बता दें कि अजय सिंह यादव ने मंत्री के फैसले पर सचिव के मुहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, उनका कहना है कि सेक्रेटरी कभी भी विभाग के कामों की मंजूरी नहीं देता है। विभाग के कामों की मंजूरी देना मंत्री का काम है। अगर सेक्रेटरी फैसला करता है तो मंत्री किस काम के हैं? भारतीय जनगणना को तुरंत सरकार को करानी थी, केंद्र सरकार को, ताकि शैक्षणिक, आपकी आर्थिक, आपकी जो है सामाजिक डाटा जो पूर्ण रूप से मिल सके। दूसरा, जो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका टेन्योर 2021 को समाप्त हो गया, उसको तुरंत दोबारा से गठित करें ताकि उस पर काम हो सके। पंचायती राज और म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर हमारे आरक्षण खत्म हो रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जातीय जनगणना हो ताकि पता लग सके कि सामाजिक रूप से कौन कमजोर है, आर्थिक रूप से कौन कमजोर है, शैक्षणिक सामाजिक रूप से कौन कमजोर है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे हैं, वहां पर जो है इसमें पंचायती राज अधिनियम को वहां पर आरक्षण खत्म कर दिया ओबीसी का, इसी प्रकार से आपके हरियाणा में खत्म कर दिया। और हम ये चाह रहे हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसके द्वारा जजेस को जो है हाईकोर्ट के जजेस को जो है सिलेक्ट किया जाता है, उसकी बजाय ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए, जैसे आपके एडीजे और जजेस का होता है, ताकि हर समाज के लोग उसमें आ सकें, एक ओपन दायरा होना चाहिए। और दूसरा, हम ये चाह रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपके अग्निपथ के नाम से नौजवानों के साथ जाति हो रही है, इस योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे नौजवान जो है 75% जो नौजवान जो बेरोजगार हो जाएगा वो कहाँ जाएगा। उसी प्रकार से आपकी जितनी भी योजनाएं हैं रोजगार देने की, उसको लागू करें, बेरोजगारी को खत्म करें, भ्रष्टाचार, पेगासस जो कांड हुआ था उसकी आज तक जांच नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।